Vande Mataram, my dear students. Today's your subject is mathematics and today's our chapter is subtraction and today we learn next word problem on subtraction. First is Rohan had rupees 890. He bought a shirt for 690 rupees. How much money is left with him? रोहन के पास 890 रुपीस थे, उसने 690 रुपीस का शर्ट ले लिया, तो अभी उसके पास कितने पैसे बचे? 100 टेंस वंस 890 माइनस 690, तो 0 0 9 माइनस 0 0 एंड 8 माइनस 6 2, तो उसके पास बचे 200 रुपीस. नेक्स्ट, a fruit seller has 250 mangoes. He sells 100 mangoes by evening. How many mangoes are left with him? एक fruit seller के पास 250 mangoes थे. शाम तक उसने 100 mangoes बेच डाले. तो अभी उसके पास कितने mangoes बचे? 100 tens ones 250 minus 100. तो 0 0 5 माइनस 0 5 एंड 2 माइनस 1 1, तो उसके पास बचे 150. नेक्स्ट थर्ड, देयर वर 500 बुक्स इन अ लाइब्रेरी. 200 ऑफ देम वर इंग्लिश बुक, द रेस्ट वर मैथ्स बुक. हाउ मेनी मैथ्स बुक वर देयर? एक लाइब्रेरी में 500 बुक्स है, उसमें से 200 बुक्स इंग्लिश की है, बाकी जो बची वो मैथ्स की है, तो मैथ्स की बुक कितनी होगी? तो 100 टेंस वंस 500 टोटल बुक्स है, उसमें से 200 बुक्स इंग्लिश की है, तो बाकी के बची जो भी बुक्स है वो मैथ्स की. 0 0 0 0 5 माइनस 2 300, तो 300 बुक्स मैथ्स की होगी. नेक्स्ट, अ स्टोरी बुक हैज 224 pages. Amit read only 75 pages. How many pages are left for reading? Story book में total 224 pages हैं. Amit ने only 75 page को read किया है, तो अभी उसे कितने pages read करने के बाकी है? तो 100 tens ones 224 total pages है, उसमें से उसने 75, तो 7 is tens and 5 is ones, 75 पेजेस रीड कर लिए हैं, तो बाकी के कितने बचे? 4 माइनस 5, 4 इज लेस देन 5, सो हियर राइट 10 प्लस 4 14, हियर राइट 2 सो 1, 14 माइनस 5 9, हियर 1 इज लेस देन 7, सो हियर राइट 10 सॉरी 11, 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 4 एंड हियर राइट 1. So, उसे स्टोरी बुक में से 149 पेजेस रीड करने के बाकी है. नेक्स्ट, अ बॉक्स हैज 250 मार्बल्स इन विच 135 मार्बल्स आर टेकन आउट. हाउ मेनी मार्बल्स आर लेफ्ट इन द बॉक्स? ये बॉक्स में 250 मार्बल्स है, उसमें से 135 मार्बल्स ले लिए, तो अभी बॉक्स में कितने बचे? 100 tens ones 250 marbles थे, 135 ले लिए, तो बचे here write 10 and here write 4, 10 minus 5 5, 4 minus 3 1 and 2 minus 1 1, 150 marbles उसमें बचे. then there are 36 birds in a cage. 15 birds flew away. How many birds are left in the cage? एक केज में 36 birds थे, उसमें से 15 birds उड़ गए, तो कितने वो केज में कितने birds बचे? तो 36 tens ones minus 15, 6 minus 5 1, 3 minus 1 2. 21 birds left. वो केज में 21 birds बचे हैं. Then next,
more word problems, write the statement and solve them. A man had 424 egg. Ek man ke paas 424 egg hai. 120 of them were broken while transporting. Find the numbers of eggs left with him. 424 egg mein se 120 egg transporting ke during toot gaye. To abhi uske paas kitne egg baje? 100 tens ones 424 minus 120. So 4 minus 0, 4, 2 minus 2, 0 and 4 minus 3, well sorry 1, so 3. So uske paas bache 304. So here write answer. 304 eggs the man left. 304 eggs left with man. वो मैन के पास अभी 304 एग्स बचे. नेक्स्ट सेकेंड, मोहिनी बॉट 200 चॉकलेट्स ऑन हर बर्थडे. शी डिस्ट्रीब्यूटेड 100 ऑफ देम. हाउ मेनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट विथ हर. मोहिनी के पास उसके बर्थडे में उसने 200 चॉकलेट्स खरीदी थी, उसने 100 डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो अभी उसके पास कितनी चॉकलेट्स बची? 200 minus 100. 0, 0 and 2 minus 1, 1. So, uske paas abhi bachi 100. So, you are right. 100 chocolates are left with Mohini. Next, in a necklace there are 300 beads. If it has 150 red beads, how many yellow beads does it have? एक necklace में 300 beads है, उसमें से अगर 150 red beads हुए, तो yellow beads कितने होते? तो 300 minus 150 red beads. तो येलो कितने हुए? हमें येलो फाइंड करना है. तो 0, हियर राइट 10 एंड हियर 2. 10 माइनस 5, 5 एंड 2 माइनस 1, 1. सो येलो हो गए 115. तो राइट 115 येलो बीट्स डज eat have. Next, Sonu went to a shop and bought a bat. He gave rupees 500 to shopkeeper. Shopkeeper returned him 270 back. What is the cost of the bat? Sonu ek dukan pe bat. Sonu ne ek dukan se bat kharida. Usne shopkeeper ko 500 rupees diye. शॉपकीपर ने उसे रिटर्न में 270 रुपीस दिए, तो वो बेट की प्राइस कितनी होगी? लेट्स फाइंड दिस. 500 माइनस 270, तो हमें मिलेगी बेट की प्राइस. तो 0 माइनस 0 0 एंड 0 माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल, सो यू राइट 10 एंड यू राइट 4. 10 माइनस 7 3 एंड 4 माइनस 2 2, तो वो बेट की प्राइस होगी 230. तो ये राइट रुपीज 230 इज द कॉस्ट ऑफ बेट. नेक्स्ट, देर आर 200 मेन एंड 215 वुमेन्स इन अ ऑफिस. हाउ मेनी मोर वुमेन्स आर देर? एक ऑफिस में 250 वुमेन्स है और 200 मैन है, तो मैन के हिसाब से कितनी ज्यादा वुमन है? तो 215 वुमेन्स एंड 200 मैन. तो माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा वुमन है. 200
sorry, 0 minus 0, 0, 5 minus 0, 5, and 2 minus 2, 0. So 15 women bachi. So 15 more women are in an office. Next, a train was carrying 500 passengers. At a station, 216 passengers got down. How many passengers were left in the train? Ek train mein 500 passengers traveling kar rahe the. Ek station pe wo train ruki aur 216 passengers utar gaye. To abhi train mein kitne passengers bache? तो 500 पैसेंजर थे, उसमें से 216 पैसेंजर उतर गए. तो 0 माइनस 0, 0 एंड हियर 10, हियर राइट 4. 10 माइनस 6, 4. 4 माइनस 2, 2. तो अभी उसमें बचे 240. तो हियर राइट 240 पैसेंजर वेल लेफ्ट in the train. Mrs. Kapoor had rupees 900. If she spent rupees 400, how much money is left with her? Mrs. Kapoor ke paas 900 rupees hai. Agar wo 400 rupees spend, yani uska use kar le, to uske paas abhi kitne paise bachenge? 900 रुपीस है, उसमें से 400 माइनस करते हैं. 0 0 0 0 माइनस 0 0 एंड 9 माइनस 4 5. तो उसके पास बचे 500 रुपीस. तो 500 रुपीस लेफ्ट विथ मिसेस कपूर. उसके पास 500 रुपीस बचेंगे. नेक्स्ट, मधु इज 25 इयर्स ओल्डर देन मेघा. मधु मेघा से 25 इयर्स ओल्ड है. इफ मेघा इज 15 इयर्स ओल्ड, अगर मेघा 15 इयर्स की है तो व्हाट इज द एज ऑफ मधु. तो मधु की एज कौन सी हुई? तो मेघा 15 इयर्स की है और मधु उससे 25 साल बड़ी है, तो उसमें 25 इयर्स ऐड करते हैं. तो 5 5 10, हियर 1 इज कैरी ओवर, 1 प्लस 1 2 एंड 2 14. तो वो 14 इयर्स की होगी. नेक्स्ट इज फन एक्टिविटी इन दिस, सॉल्व दिस सम, कलर द पिक्चर यूजिंग द गिवन कॉर्ड्स. यहाँ पे आप लोगों को नंबर दिए और उसके सामने कलर के नेम दिए, उसके हिसाब से आप लोगों को कलर करना है. जैसे कि 96 माइनस 86, तो 6 माइनस 6 0 एंड 9 माइनस 8 1. तो हियर आवर आंसर इज 10, तो ब्लू कलर. देन हियर 59 माइनस 41, 9 माइनस 1 हियर 8 एंड 5 माइनस 4 1. तो हियर 18 इज इक्वल टू ग्रीन कलर दिया है, तो ग्रीन कलर. देन 20 माइनस 12 हियर 10 एंड हियर 1. 10 माइनस 2 8 एंड 1 माइनस 1 0. तो हियर ब्राउन कलर. देन नेक्स्ट 24 माइनस 16 हियर राइट 14 एंड हियर राइट 1. 14 माइनस 6 8. सो हियर ऑल्सो ब्राउन कलर. ऐसे आप लोगों को माइनस करके जो भी आंसर आता है वो कलर आप लोगों को यहाँ पे करना है. ओके, एंड नेक्स्ट असिस योर सेल्फ इन दिस एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फाइंड द डिफरेंसेस. Is this doings do yourself and practice of this. And next video we will see next chapter of this Vande Mataram.